राजस्थान विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनावों के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यहां तक सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की दूरियां मिट गई है और दोनों एक साथ दिखाई देने लगे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं में आपसी दूरियां बढ़ती जा रही है। राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की रणनीति ने पार्टी की नींद उड़ा दी है। तो क्या है वसुंधरा की रणनीति जिससे परेशान है बीजेपी, देखे इस रिपोर्ट में। राजस्थान में पिछले कुछ समय से बीजेपी दो गुटों में बंटी हुई है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों का है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा विधायक भी शामिल हैं। दूसरा धड़ा राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का है, जिसमें अधिकांश नेता वसुंधरा विरोधी हैं। दरअसल वसुंधरा समर्थक में नाराजगी राज्य नेतृत्व को लेकर है। जब से सतीश पूनिया को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, तभी से वसुंधरा को पार्टी में अलग थलग करने की कोशिशें चल रही हैं, जिससे वसुंधरा राजे समर्थकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब वसुंधरा की रणनीति बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे 8 मार्च से गुजरात में यात्रा निकालने की तैयारी में है। वैसे उनकी ओर से इस यात्रा को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यात्रा धार्मिक है और जो राज्य के कृष्ण मंदिरों से होकर गुजरेगी, लेकिन वसुंधरा के समर्थकों की तैयारी को देखकर साफ है कि यात्रा भले ही धार्मिक हो, लेकिन इसके मायने राजनीतिक ही हैं। इसका नज़ारा दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि यात्रा शुरू करने से पहले वसुंधरा कल जयपुर के गोविंद देव मंदिर और काले हनुमान मंदिर में पहुंची थी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। इस दौरान उनके साथ आए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। केसरिया मतलब हरा भरा, राजस्थान मतलब वसुंधरा जैसे नारे मंदिर प्रांगण में लगातार गूंजते रहे। वसुंधरा समर्थकों का दावा है कि 8 मार्च से शुरू होने वाली वसुंधरा की यात्रा में उनके काफिले के साथ 1000 से अधिक गाड़ियां शामिल होंगी। वसुंधरा की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी नाराजगी देखी जा रही है। वसुंधरा से अपनी यात्रा रद्द करने को कहा जा रहा है, लेकिन वसुंधरा समर्थकों के तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार अपनी यात्रा रद्द नहीं करेगी। बीजेपी में वसुंधरा की नाराजगी का डर भी दिख रहा है, क्योंकि राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जो संकेत चुनाव आयोग से मिले हैं, उसमें यह साफ है कि 2 मई को 5 राज्यों के साथ राजस्थान की 4 सीटों पर भी वोटों की गिनती हो सकती है। निवी लाइव की रिपोर्ट।